किसान एकता, बीजेपी सरकार। जीन प्लस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ। आपको बता दें कि आज हम मौजूद है सफेदों के सुभाष राम मोदी के निवास पर। यहाँ पर कुछ किसान नेता आए हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि भी एक किस मुद्दे पर यहाँ आए हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करके पूछते हैं। ये पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, आया सुप्रीम कोर्ट का, जो श्यामनाथ, विश्वेगा, गौशराम, ये इसके 18-20 प्रकार की जो जमीनें काश्तकार के पास थी, कहीं आप किसानों ने आपस में उस जमीन को बांट दिया था, कहीं कुछ था, वो इस प्रकार की जमीन को तो के भाई पंचायत, इसके अधिकार पंचायत का है। लेकिन उस फ्रेम के अंदर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि भाई हमने जो मतलब आदेश किया है, इसके फ्रेम में रहते हुए सरकार इन किसानों को, मलकियतदारों को, इनको राहत देते हुए कोई भी ऐसा कानून बनाए ताकि इनकी उस मलकियत पे या इनके इनका जो स्टेटस है आज से इस कोर्ट के फैसले से पहले जो स्टेटस था उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। हमने पिछले भी विधानसभा के का जो सेशन था उसमें 3 दिन का सेशन था, 3 दिन में हमने कामरों को प्रस्ताव भी हम लेके आए थे, लेकिन बहुमत होने के कारण स्पीकर ने उसको मंजूर नहीं किया। कोई बात उसने नहीं किया तो हमने जब भी मौका मिला, 0 आवर में मिला, क्वेश्चन आवर में मिला या वैसे बोलते वक्त मिला, तो कम से कम भी 10-12-15 कांग्रेस के विधायकों ने, चाहे क्वेश्चन के थ्रू या 0 आवर के थ्रू, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी पूरा पूर्णतः इस मुद्दे को उठाया था। और सरकार आश्वासन देने वाली सरकार का तो आपको पता ही है, ये तो आश्वासन और घोषणा इससे सुहा कुछ नहीं है। मतलब 1 मिनट से पहले इनके जो ऑफिसर हैं वो 1 मिनट से पहले इनको मतलब इनके काम कर देते हैं, पैसे से पहुँचते हैं। पलटू सरकार तो है ही, पिछले दिनों आपने यही देखा होगा, मैंने भी सेशन में कहा था कि सरला कॉलेज की बात, तो उसकी किस प्रकार से घोषणा की, ये भी कहा गया कि पॉलिसी में दिल देने वो भी देंगे, तो उससे भी इनकार कर दिया। तो इसमें भी हमने जब सवाल उठाए तो सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर पॉलिसी लाएंगे, लेकिन पॉलिसी हमें नहीं लगता कि जिस प्रकार से इस सरकार का पीछे का हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि इस सरकार ऐसा कुछ लाभ देने का काम करेगी, इससे हम मुख्य आश्वासन देने से सवाल कुछ नहीं करें। लेकिन हम किसानों के साथ या पीड़ित जो लोग हैं, उसमें किसान भी है, दूसरे लोग भी हैं, तो वो पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। और ये कोई संघर्ष जैसे कहीं आंदोलन की बात आई तो आंदोलन में भी हम एक लोग जब हम ये कहेंगे हमारा पीछे रहेगा आंदोलन में, साथ तो पीछे रह के देंगे, ये कहेंगे अगवानी करके दो तो अगवानी करके देंगे, ये कहेंगे भाई आप अलग से हमारे लिए आंदोलन करो तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ। विधायक जी, आपने विधानसभा में देखा भी होगा कि जो विपक्षी जो विधायक दल के नेता होते हैं, चाहे वो विधायक होते हैं, उनकी बात को सुना नहीं जाता, तो आज इसके स्थानीय लोकल तौर पर आपकी बात को कैसे मान लेगी सरकार? सरकार को मनाने का देखो सबसे बड़ा पटल तो होता है विधानसभा, उसके ऊपर ना माने तो विपक्ष के पास भी ऑप्शन होता है आंदोलन करने का, चाहे वो धरना प्रदर्शन करे, चाहे वो सड़कों पर जाए, या कोई दूसरी प्रकार से एक माध्यम आपका भी है सरकार को चिताए कि प्रेस के माध्यम से चिताए, तो हम हर प्रकार का की जो हमारी विपक्ष की भूमिका है उसको पूर्णता निभाते हुए लोगों के साथ जाति नहीं होने। हमारे भारतीय किसान यूनियन चिडूनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रणाम सिंह चिडूनी जी ने, उन्होंने फैसला दिया था 16 अगस्त को जो मौके के विधायक हैं सभी को ज्ञापन सौंपना है जो श्यामलाल जमीन का के बारे में, जो ये हमारी मलकियत से ज़मीन हमारी कटी हुई है, कोई कुंडियों में कटी हुई है, कोई जोड़ में कटी हुई है, कोई अभी पंचायती ज़मीन में रखी हुई है, कोई गौचरान में भी कटी हुई है, वो हमारी ही ज़मीन है। तो कई गाँव में हमारा भाइयों भाईचारे में बैठ के उस वो जैसे जैसे जिसका रकबा था उसमें अपनी बांट भी रखी है, वो जो जो अपना जो खेती कर रहे हैं उनसे वो ज़मीन खोसी जाएगी, जो किसी के पास 1 एकड़ भी है, आधा एकड़ पे भी खेती कर रहा है वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगा ना। ये सरकार ये चाह रही है, ये प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, इसको पहले भी खेती को सारी को प्राइवेट करना चाह रही थी,
तो तभी आपने देखा है हमारी आवाज़ भी उठाई, आपने दिल्ली में धरना भी दिया है, सरकार उसमें झुकाई है किसानों ने, फिर ये मान नहीं रही। कभी कोई सा कानून लेके आती है, कभी कौन सा लेके आती है। हम अपने विधायक जी सुभाष गंगोली जी के पास आए हैं, विधानसभा संकीर्तन क्षेत्र से बने हैं, उनको हमने ये बोला है, ज्ञापन सौंपा है कि आप ये स्पेशल सत्र बुला के उस पर ये कार्रवाई करवाएं और ये वापस करवाएं, और उसके बाद कोई भी अगर सरकार नहीं मानती तो आप विपक्ष की कड़ी से कड़ी भूमिका निभाएं, चाहे आपको आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, किसानों के साथ ऐसी जाति ना हो। तो आप, हम तो ये गुजारिश लेके आए विधायक जी के पास। तो विधायक जी ने क्या बोला? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, पहले भी इन्होंने बहुत मदद की है और आगे भी मदद करेंगे। और हमारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अब ये भी एक आवाज़ है, अगर ये इसके बाद भी विधानसभा में विधायक नहीं मुद्दा उठाते, 25 तारीख से लेके आगे हम इन अनिश्चित काल के लिए धरने धरेंगे विधायकों के घर के बाहर। वो एक खाने पानी का प्रोग्राम कर लंगर की व्यवस्था वही करेंगे, यहाँ पे किसान बैठेंगे जब तक ये मुद्दा वापस नहीं। उनसे विधायक शामिल हैं इसमें? सभी विधायक, सभी 90 के 90 विधायक। तो आप लोगों ने सुना कि किसान आज यहाँ एमएलए निवास पर क्यों इकट्ठा हुए, और उन्होंने एमएलए के सामने अपना एक ज्ञापन भी रखा, और विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी ये सुनवाई जरूर की जाएगी, अगर इस सुनवाई को सरकार ने नहीं सुना तो इसके खिलाफ हम मिलकर प्रदर्शन भी करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए जींद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।